हेलो फ्रेंड्स डब्लू स्क्रिप्टेक के इस प्रोग्रामिंग पोर्टल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूनियन फ्रेंड्स लास्ट के लेक्चर में हमने जो है स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस टाइप है ओके फ्रेंड्स यूनियन भी क्या है एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है ठीक है इसमें क्या मतलब है कि हम यूनियन में भी जो है डिफरेंट तरह के जो है एलिमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है लाइक एरे कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स बट फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोथ आर इन द नेचर ऑफ हेट्रोजीनियस ठीक है नाउ फ्रेंड्स लाइक अ स्ट्रक्चर यूनियन इज यूजर डिफाइंडा टाइप ऑब्वियसली बात है ये दोनों ही कैसे है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे दोनों ही स्ट्रक्चर और यूनियन हेट्रोजीनियस टाइप के हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में तो भी फर्क क्या है यहाँ पर फर्क क्या है तो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस भी बताऊंगा ओके okay? और काफी कुछ आज के वीडियो में भी आप सीख जाएंगे ठीक है तो इन यूनियन ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन दिस इज लाइन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन जितने भी आप मेंबर्स होंगे यूनियन में ठीक है वो सारे के सारे सेम मेमोरी लोकेशन उनकी सेम मेमोरी लोकेशन ही होगी उनकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन नहीं होगी जैसा कि स्ट्रक्चर में होता है ठीक है नाउ फ्रेंड्स यू कैन डिफाइन अ यूनियन विथ मेनी ओके बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट अ गिवन टाइम यूनियन में ऑब्वियसली बात है मेंबर तो बहुत सारे होंगे आप चाहें जितने मेंबर्स को इनिशियलाइज़ डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर कैरेक्टर, ठीक है फ्लोट डबल बट फ्रेंड्स होगा क्या कि एट ए टाइम ओनली वन मेंबर कैन कंटेन द वैल्यू ऑफ अ गिवन टाइम एक ही मेंबर को जो है मेमोरी अलर्गेट होगी बाकी को नहीं होगी ठीक है और वो भी कैसी होगी उस मेम अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि यूनियन को अगर हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो दोनों में मेमोरी का क्या डिफरेंस होता है ठीक है एक अभी डायग्राम से आपको दिखाऊंगा अभी आप ये समझिए कि यूनियन में क्या होगा मैनी मेंबर्स होंगे बट किसी एक ही मेंबर को एट ए टाइम एक ही मेंबर को एट ए टाइम आप मेमोरी अलोकेट करवा सकते हैं बाकी को नहीं यूनियन प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर द मल्टीपल पर्पस। इसका देखिए आप जो है एप्लीकेशन भी आ गई क्या आपको सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर मल्टीपल आपको मेंबर्स को यूज करना हो लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक को ही सबको नहीं तो आप अगर इस पर्पस है आपका तो आप यूनियन को यूज में ले सकते हैं अब अगर आपको यूनियन को क्रिएट करना है फ्रेंड्स तो आप किसकी हेल्प लेंगे यूनियन कीवर्ड की हेल्प लेंगे यूनियन देखें बिल्कुल सेम सेंटेक्स है कोई फर्क नहीं है आ, पहले हमने स्ट्रक्ट यूज किया था अब यहां पे यूनियन यूज करना है बाकी का सब कुछ सेम है यहां पर डिक्लेरेशन का तरीका कोई फर्क नहीं है सिर्फ की का चेंजिंग है ठीक है अब आप देखिए स्ट्रक और यूनियन फर्क क्या है साइज में मैं आपको बता रहा हूं जैसे ये एक स्ट्रक्चर है ठीक है एम्प्लॉई नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है इसमें कैरेक्टर वेरिएबल है इंटीजर है फ्लोट है ठीक है तो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया अब ऑब्वियसली बात है कैरेक्टर है तो कितनी साइज ऑलोकेट होगी वन बाइट का इंटीजर है तो दो बाइट का अभी हम मान रहे हैं कि कंपाइलर जो है वो बेसिकली किसमें हम काम कर रहे हैं टर्बोसी में काम कर रहे हैं तो इंटीजर को कितने मिलेंगे दो बाइट मिलेंगे फ्लोट है तो उसको चार बाइट मिलेंगे तो टोटल इसकी साइज क्या होगी फ्लोर प्लस टू प्लस वन कितना 7 बाएट. 7 बाएट, ये जो आपने variable बनाया है E1, इसको कितने हो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे अब इसी केस को मैं यूनियन के साथ बनाऊं यूनियन में भी एक करेक्टर इंटीजर और फ्लोट बनाऊं तो फ्रेंड्स यूनियन में क्या होता है कि अब यहाँ पे साइज सेवन नहीं होगी यहाँ पे क्या होगा कि यूनियन सबके जो साइज है वो चेक होगी यहाँ पे केर की केर की इंटीजर फ्लोट सबकी साइज चेक होगी जिसकी साइज सबसे मैक्सिमम है जिसकी साइज सबसे मैक्सिमम है किसकी मैक्सिमम है फ्लोट की तो इस पूरे यूनियन की साइज भी वही होगी जो सबसे मैक्सिमम साइज होगी कितना होगा कि हो यहाँ पे इस पूरे यूनियन को कितने बाइट अलोकेट होंगे फोर बाइट फोर बाइट क्यों अलोकेट होंगे क्योंकि मैक्सिमम साइज क्या है फोर है इस वजह से यहाँ पे फोर बाइट अलोकेट होंगे यहाँ पे सेवन बाइट एलोकेट होंगे तो इंटरनली अब आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चर और यूनियन में मेमोरी का क्या मतलब डिफरेंस uh, रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यूनियन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स वेरिएबल uh, हमने डिक्लेयर किया और ऑब्वियस सी बात है इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम जो है किसी एक मेंबर को एक एट ए टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है आप चाहें तो uh, मतलब पहले आईडी को एक्सेस करें ठीक है और आईडी को एक्सेस करने के बाद में आपने क्या किया जस्ट जो नेम जो आपने कैरेक्टर बनाया था उसको भी आपने एक्सेस कर लिया अब एक्सेस कर लिया लेकिन होगा क्या फ्रेंड्स यहां पर एट ए टाइम सिर्फ एक एक्सेस कर पाएंगे दोनों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपको यहां पर दोनों को भी एक्सेस कर सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूं कैसे देखें आप ध्यान से ये देखें आप ओके आपने एक एक्सेस किया इंटीजर टाइप का और जस्ट एक्सेस करने के बाद में क्या करवा दिया प्रिंट करवा दिया उस एलिमेंट को अब होगा क्या कि एक एक्सेस करने के बाद में जस्ट आपने क्या किया दूसरा जो फ्लोट टाइप का जो मेंबर वेरिएबल है उसको आपने एक्सेस किया एक्सेस करने के बाद में आपने प्रिंट करवा दिया ठीक है जस्ट आप प्रिंट करवा रहे हैं ठीक है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तीनों इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर को आप साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पा रहे हैं ठीक है बट प्रिंट जो है अगर आप तीनों को एक्सेस करने के बाद में आप लिखेंगे तीनों प्रिंट साथ में लिखेंगे तो वहां पे आउटपुट हमारा इस तरह से नहीं आएगा जस्ट एक्सेस करें उसके बाद में आप प्रिंट करवा लें चल जाएगा काम ठीक है उसके बाद में आपने दूसरा एक्सेस किया फिर प्रिंट करवाया हो गया ठीक है उसके बाद में कैरेक्टर को एक्सेस किया उसके बाद में प्रिंट करवाया तो तीनों आउटपुट आपके बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में शो हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स so ये एग्जाम्पल जो है इसमें सिर्फ यूनियन का जो है आ, यहां पर मेमोरी का रोल प्ले करता है कि यूनियन में क्या होगा फ्रेंड्स कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही मेंबर वेरिएबल को अलोकेट होगी साइज बाकी को नहीं होगी और स्ट्रक की जगह हम क्या यूज करते हैं यहां पर यूनियन यूज करते हैं कुछ और डिफरेंसेस हैं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो आज के वीडियो से फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा यूनियन का कंसेप्ट पढ़ा आई थिंक इस वीडियो से आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो